The topic is from IIT Bombay to Harvard and we have a guest with us जो आपको इसके बारे में बताएंगे चलिए अब हम लोग बुलाते हैं स्टूडियो में हमारे साथ आने वाले हैं विनम्र जैन विनम्र जैन मेरे जूनियर हैं आई आई बॉम्बे के दो साल मुझसे जूनियर थे हम सेम हॉस्टल में रहते थे और मेरे साथ हम लोग हम लोगों ने काम भी किया है साथ में हमारे हॉस्टल काउंसिल होती है सो ही वॉज देयर इंडिया काउंसिल एंड आई वॉज ऑल्सो देर इंडिया काउंसिल एंड वी हैव वर्क टूगेदर फॉर लाइक एन ईयर तो प्लीज विनम्र वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियोज सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ अन अकेडमी स्टूडियोज एंड इट्स व्यूअर्स सो आप यहां पर आए हैं और मैं विनम्र के बारे में ये बता देता हूं कि इन्होंने आई आई टी बॉम्बे से ग्रेजुएशन की फिर जॉब्स की और अब ये हार्वर्ड से पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक आई वी लीग कॉलेज माना जाता है सो so, विनम्र, गिव योर इंट्रोडक्शन। हाय, मैं विनम्र हूँ और uh, मैंने कोटा का रहने वाला हूँ तो मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग कोटा से करी है यहीं से मैंने कोचिंग भी करी थी आईआईटी की उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे में गया मेरी जेई में एआईआर 67 थी बहुत पुरानी बात हो यार <laughs> <laughs> फिर उसके बाद मैंने जेई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी किया चार साल आईआईटी में पढ़ाई के अलावा काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व था आपके साथ भी हॉस्टल में जैसा आपने मेंशन किया फिर आईआईटी के बाद मैंने जॉब करी दो जगह जॉब करी है पहली जॉब मेरी थी बेन एंड कंपनी में जो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है और दूसरी जॉब थी स्टार टी में स्टार टी को तो आप सब जानते ही होंगे जिसके स्टार स्टार प्लस ये सारे ब्रांड्स हैं वो भी हाँ वो भी सबसे ज़्यादा पैसा वहीं से बनता है तो फिर स्टार टीवी में जॉब करी चार साल से मैं जॉब कर रहा कराऊँ दो दो साल दोनों जगह उसके बाद अब मैं अपना एम बी ए करने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ इसी महीने के एंड में सो दैट्स अबाउट सही है विलम्ब्रो so, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे बहुत कुछ आपने ब्रीफ में बता दिया थोड़ा सा पीछे जाते हैं आपकी आई के बारे में चर्चा करते हैं कि आई की प्रिपरेशन आपने कैसे की सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आपने आई को क्यों चुना जब चुनाथ क्लास में थे क्या चीजें दिमाग में आई जिसके बेसिस पे आपने आई को चूज़ किया जब मैं टेंथ में था तब ऑप्शंस बहुत सारे थे और मैं बहुत कंफ्यूज था टू बी ऑनेस्ट मेडिकल लाइन काफी अच्छी मानी जाती है इंजीनियरिंग लाइन अच्छी मानी जाती है कई लाइनें अच्छी मानी जाती है बट आई वॉज कंफ्यूज बट मुझे एक बात पता थी कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट है मैथ्स में इंटरेस्ट है विच इज वाई आई डिसाइडेड टू परस्यू इंजीनियरिंग मैं कोटा से हूँ तो ऑब्वियसली अवेयरनेस वॉज नॉट एन इशू या हर जगह आई की बातें होती है कोचिंग सेंटर्स के आसपास तो मुझे पता था कि आई अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आई सबसे प्रेमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया के दैट्स वाई आई डिसाइडेड की आई विल चूज द सब्जेक्ट अड आई लाइक एंड आई विल चूज द फील्ड एड आई लाइक इसलिए फिर मैंने आई आई uh, टी परस्यू करने का डिसाइड किया और जीत दिया सो so, काफ़ी अच्छी चीज़ है मैक्सिमम जैसे कोटा के अंदर तो आई आई टीज का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और काफी लोग जाते भी हैं ठीक है अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा फिर मैं आपकी आई आई टी की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करूँगा वो क्वेश्चन ये है कि आपकी जो रैंक आई थी उसके बेसिस पर आपको आई आई टी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में मिल सकता था देन हाउ डिड यू टेक इलेक्ट्रिकल एज अ करियर ऑप्शन कंप्यूटर मिल सकता था और काफी लोगों ने मुझे बोला भी था कि कंप्यूटर में सबसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है विच इज़ फ्रैंकली विच इज ट्रू कंप्यूटर ग्रेजुएट्स को सबसे ज्यादा और लुक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्रो ग्लोब बट मैंने जब चूज़ किया तब मेरे दिमाग में करियर नहीं था मैंने जब चूज़ किया तो मेरे दिमाग में था कि मुझे इंटरेस्ट किस फील्ड में फिजिक्स इज समथिंग विच आई लव तो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू गो फॉर इलेक्ट्रिकल उसके बाद एक बार मैंने इलेक्ट्रिकल लिया तो उसके बाद आई टी में जाके आपको पता पड़ता है कि काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इवन आउटसाइड ऑफ एंड इवन आफ्टर इलेक्ट्रिकल भी जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिकल मई करियर बना रहे जैसे मेरे केस में मैं एम बी ए करने जा रहा हूँ इवेंचुअली एक बिजनेस मैनेजर बनना चाहता हूँ जो आई थिंक बाई आई स्टडीड इलेक्ट्रिकल दैट्स नॉट फील्डअली मेक अ करियर सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग ऐसे जो संत लोग हैं दो हज़ार बारह से पहले हुआ करते थे जो बिल्कुल सोच समझ के इस तरह से ब्रांच चूज करते थे कि भाई जो इंटरेस्ट है उसी को परस्यू करना है आजकल तो मैक्सिम स्टूडेंट्स पे पैकेजेस देख के ही ब्रांच लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मोटिवेशन भी है जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के पीछे जाते हैं चाहे कॉलेज में वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं मगर ब्रांच में उनको कॉम्प्रोमाइज करना गवारा नहीं होता क्योंकि उनके अंदर ये दिमाग में है कि भाई कंप्यूटर साइंस फैच इज द मोस्ट फैटेस्ट चैक्स तो विच इज ट्रू पार्शली जैसा विनम्र ने बताया चलिए तो अब नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आई आई टी के प्रिपेशन के बारे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है विनम्र बुक्स प्रिफर्ड फॉर आई तो आई आई के लिए आपने क्या बुक्स रेफर की थी आप ये बताइए मैंने कोचिंग करी थी गोटा से ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग थी उस समय तो मैंने मेरा मोस्टली टाइम जो स्टडी मटेरियल मेरे को कोचिंग क्लासेस से मिलता था उसी में जाता था बुक्स वही लोग रिकमेंड करते थे जो यूजल बुक्स हैं आप सबने सुनी होगी शायद फिजिक्स के लिए एच वर्मा होती थी रोडो मुझे बहुत पसंद थी रोडो होती थी मैथ्स के लिए बोर्ड्स के लिए आर डी शर्मा पढ़ा था उसके अलावा आई यूज मोस्ट ऑफ द स्टडी मटीरियल बुक्स के नाम टू बी फ्रेंक याद नहीं है मुझे बिकॉज आई थिंक बुक्स काफी स्टैंडर्ड uh, होती है मतलब सारी बुक्स अच्छी हैं जो जिसका भी आपने नाम सुना है वो डिफरेंशिएटर नहीं है सो बुक्स का तो नाम मुझे ऐसे ध्यान नहीं है बट द यूजल वंस जो कोचिंग ने रिकमेंड करी थी आई डोंट थिंक की कोई एक बुक का मैं नाम लेके बोल सकता हूँ कि दिस मेक द इंटायर डिफरेंस बेसिकली बुक्स तो वही मतलब मार्केट में अगर कोई बुक आई है तो अच्छी है तो इसलिए आई है इसलिए बुस तो अच्छी ही होती है एंड दट इज ट्रू

तो जिस दिन एग्जाम था उस दिन सुबह आराम से उठो ब्रेकफास्ट करो इधर उधर की बातें करो एकदम लाइट मूड से उस दिन ज़्यादा एग्ज़ाम की टेंशन लेना या सब्जेक्ट्स की बातें करना या कोर्स मटेरियल की बातें करना मेरे केस में वो हेल्प नहीं करता तो मैंने तो उस दिन एग्ज़ाम को जस्ट एज अनदर पार्ट ऑफ माई डे लिया यूजल डे था बैठा था अपने रिलेटिव के साथ बातें कर रहे थे हंसी मजाक कर रहे थे दैट हेल्प एक लाइट मूड से अगर आप जाते हो तो आई थिंक आपकी एफिशेंसी मैक्सिमम होती है उस एक दिन आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के या कुछ करके कुछ आई डोंट थिंक डिफरेंस ला सकते हो जो आपने दो साल तक प्रिपेयर किया दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर करेक्ट ये बहुत बिल्कुल सही चीज़ है देखो एंड में ऐसा नहीं होता कि लास्ट के एक हफ्ते में आप कुछ ऐसा पढ़ लोगे जिससे आप बिल्कुल मतलब मैथ्स के अंदर रामानुजन बन जाओगे ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है तो आपकी जो दो साल की मेहनत होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है देन अगेन देर आर एट स्टूडेंट्स जिनका आखिरी में डिजर्व होता है कि भाई वो टॉप हंड्रेड में आ सकते हैं बट जो लास्ट में जितना कूल और कंपोज्ड होता है उसी पे मैटर करता है जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी आपके साथ मेरे सीक्रेट शेयर किए थे कि टॉप फिफ्टी में मैं रैंक कैसे लेके आया था तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि मेरा सेंटर कोटा में ही था विच इज़ uh, मतलब मेरे लिए लक्की चीज़ थी और वो उस स्कूल में मेरा एग्जामिनेशन हुआ था जिस स्कूल से वे नंबर पढ़े हुए हैं मॉडर्न स्कूल <laughs> तो बेसिकली पॉइंट ये है कि इट हेल्प मी डेफिनेटली इट हेल्प मी एंड अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है विनम्र शायद क्योंकि आपको काफी टाइम हो गया आई आई टी जेई दे और मुझे नहीं पता कि आपको कितना आई आई टी जेई के बारे में पता है बट अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं ठीक है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है आई का टाइमिंग वही है जो अपना वाला था नौ से बारह दो से पांच मगर क्या होता है अब कंप्यूटर के सामने बैठ के एग्जाम देना होता है आई आई एम श्योर कि आपने काफी सारे एग्जाम्स ऑनलाइन भी दिए हैं ऑब्वियसली आप हार्वर्ड जा रहे हो जी तो आपने दिया ही है सो so, बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो गई है ना तो हम लोग क्या करते थे हम लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग की ऑफलाइन हमारे टेस्ट पेपर्स होते थे और उसी के हिसाब से आईआईटी होता था तो हमें जब हम आईआईटी का पेपर देते थे ना तो ऐसा लगता था कि यार हम कोचिंग का ही कोई और पेपर दे रहे हैं एंड दैट इज वाई वी वर एबल टू कीप आर काम बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज नाउ द थिंग्स हैव चेंज बिकॉज की जो बच्चे ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं वो एग्जाम अभी भी ऑफलाइन देते हैं मगर फाइनल एग्जाम ऑनलाइन होने वाला तो ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत दिक्कत वाली चीज है लाइक व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट आई थिंक दिक्कत वाली चीज है बिकॉज uh, एक सॉफ्ट सॉफ्टवेयर पॉइंट है बट जिस दिन आपका एग्जाम होता है ना उस दिन आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन आते हैं और आपका सारा कैलकुलेशंस आपकी शीट ऑफ पेपर पे होता है जो आपको हाथ से करना होता है आप बार बार कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने अपनी आइज लेके जाते हो फिर ऑफलाइन लाते हो फिर कंप्यूटर पे जाते हो ऑफलाइन लाते हो तो, इतना करने में एक सबकॉन्शियसली एक स्ट्रेस बनता है आपकी आईज स्ट्रेन आएंगी आपके दिमाग में स्ट्रेस बनेगा सर दुखेगा आई थिंक uh, अगर आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है पहले से देन इट विल मेक अ डिफरेंस ऑन द डे ऑफ द एग्जाम अगर आप पहले से उस चीज़ को अकस्टम्ड हो देन यू कैन ऑपरेट एट योर मैक्सिमम एफिशिएंसी जब मैंने अपने जीमैट के लिए प्रिपेयर किया था तब मैंने सारी प्रिपरेशन कंप्यूटर के थ्रू ही करी थी बिकॉज एग्जाम भी कंप्यूटर पे ही था सो इट हेल्प्स प्रैक्टिस हेल्प्स आई थिंक तो आपको वही करना चाहिए सो so, अब यहाँ पे पता एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे अन अकेडमी एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लाइक आई हैव गिवन इट अ शॉर्ट आई एम अ प्लस एजुकेटेड हेयर आई टीच स्टूडेंट्स लाइव जहाँ पे बच्चे मुझसे बात भी डिस्कशन भी करते हैं मुझसे डाउट भी डिस्कस करते हैं सो वॉट डू यू थिंक जो मेरा नेक्स्ट चीज़ है कि हैविंग अन अकेडमी बेनिफिशियल अगर आपके टाइम पे अन अकेडमी होता सो हाउ वुड इट हैज लाइक मतलब किस तरह से आपको ये बेनिफिट करता जैसे आपने बोला अगर अब ऑनलाइन हो गया एग्जाम तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन पढ़ाई भी करोगे तो इट विल बी इट विल बी हेल्पफुल क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस ही उस चीज़ में जिस जिस चीज़ में आपको फाइनली एग्ज़ाम देना है सेकेंडली आई थिंक ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाई का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जब मैंने पढ़ाई करी थी मेरी ऑफलाइन थी हमारे क्लास में वन फिफ्टी स्टूडेंट्स एक साथ बैठे थे टीचर के साथ किसी भी बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन तो हो नहीं पाता था सेकेंडली सबका एक पेस ऑफ लर्निंग अलग अलग होता है तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था टीचर आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ गया है. फिर आपका वो टॉपिक छूट ही जाता है जब ऑनलाइन आप पढ़ते हो तो यू हैव अ चांस यू हैव अ ऑप्शन टू फॉरवर्ड जो टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो रिवाइंड लिसन अगेन पॉज टेक योर टाइम आस्क क्वेश्चन सो आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन में जो एक पर्सनलाइजेशन वाली चीज़ होती है वो काफ़ी सही होती है मेरे टाइम पर यह था नहीं बट अगर होता है ना एक है एक एडवांटेज देगा आपको एज कम्पेयर टू अगर आप क्लासरूम में बहुत सारे बच्चों के साथ ही बैठे हुए तो देखो दोस्तों अब दो टॉप हंड्रेड के रैंकर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई इस तरह का प्लेटफॉर्म होना एक फायदेमंद चीज़ है आपकी कन्वीनियंस की बात है तो आप जल्दी जल्दी प्लस प्लेटफॉर्म पर आ ही जाना चाहिए आपको ताकि आप मुझसे पढ़ सकें ठीक है चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चीज़ आते हैं जॉब आफ्टर आईआईटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने दो जॉब्स के बारे में बताया तो उन जॉब्स के थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आप बताइए लाइक मैं कौन सा तो छोड़ दीजिए ऑब्वियसली हर चीज अच्छी होती है अच्छा ही एक्सपोजर मिलता है तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि दोनों जॉब्स में कैसे कैसा आपका एक्सपीरियंस हो एंड हाउ इट हेल्प्ड यू इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो मेरी जॉब्स दोनों जॉब्स नॉन कोर जॉब्स थी नॉन कोर जॉब्स से मतलब इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स नहीं थी मेरी पहली जॉब थी जैसा मैंने बोला था बेर एंड कंपनी में जो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फॉर्म है मैनेजमेंट कंसल्टिंग में क्या होता है कि आप एक टीम में काम करते हो पांच छह लोगों की टीम होती है जो क्लाइंट्स के सामने जाती है और उनकी बिज़नेस प्रॉब्लम सॉल्व करती है सो फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस ओनर आके हमारे से बोल सकता है कि यार मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है अगले पाँच साल में टू वैक्स करना है या कोई बोल सकता है मेरे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है या कोई बोल सकता है मेरे ऑपरेशन एफिशिएंट नहीं है तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स लेके वो हमारे पास आते थे और हम दो महीने तीन महीने चार महीने जो भी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन में एज ए टीम काम करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते फॉर द क्लाइंट्स तो जो मेरा टेन्योर था बेन में डेढ़ दो साल का टेन्योर था उसमें मैंने ऐसे सात अलग अलग केसेस में काम किया जो कि अलग अलग क्लाइंट्स के साथ थे अलग अलग कंपनीज अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग थे अलग अलग जोग्राफीज़ में इंडिया में था सिंगापुर में था इंडोनेशिया में था सो दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब जहाँ पे मैंने बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करी अलग अलग तरह के क्लाइंट्स की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जाके मेरी सेकेंड जॉब थी स्टार टी में जहाँ पे जो स्टार टी के सी हैं उनके ऑफिस में उनकी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी टीम है जो उनको हेल्प करती है डे टू डे डिसीजन लेने में बिजनेस रन करने में जो भी उनको चाहिए होता है उस चीज़ में आ, मैं उस टीम का ही पार्ट था तो उस वो वाली जॉब थोड़ी अलग थी बिकॉज उसमें मैं एक ही कंपनी के साथ एक ही इंडस्ट्री में एक लंबे समय तक रहा दो ढाई साल तक रहा और मैंने उसमें काम किया और काफ़ी डीप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आई हुई सी ए की इंडस्ट्री की सो so, इस तरह से मेरी दो जॉब्स काफ़ी डिफरेंट थी फर्स्ट जॉब वाज अबाउट डाइवर्सिफिकेशन लर्निंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड गेटिंग एक्सपोजर सेकंड जॉब वाज अबाउट गोइंग डीप इन वन थिंग एंड ट्राइंग टू नो मोर एंड मोर एंड डू मोर एंड मोर इन फॉर वन कंपनी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला आपको जैसा आपने बताया मुझे ठीक है ना सो so, अभी ये किस तरह से आपको प्रोफाइल बिल्डिंग में आपकी हेल्प की लाइक विल डिस्कस दिस इन अ वाइज जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हार्वर्ड में आपको गया वाई हार्वर्ड आफ्टर आई आई अब ये क्वेश्चन आपको दे, देखिए ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा जाता है कि आई आई इतने बड़े ब्रांड है ठीक है खासकर आप आई बॉम्बे से हो आई बॉम्बे की बहुत अच्छी ब्रांच है आप ग्रेजुएट हो तो क्या ये अपने आप में एक ब्रांड नहीं है कि आपको एक और ब्रांड की रिक्वायरमेंट है वेल well, मेरे हिसाब से वी नॉट थिंक इट दिस वे ब्रांड वगैरह ये सब चीजें क्या है ये एक डिराइव्ड बेनिफिट है जो हम लोगों को मिल गया है

बट फॉर्मली वो एजुकेशन आपको नहीं मिलती है सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू डू एन एम बी ए और मैं हारव्वर्ड एम ब करने ही नहीं जा रहा हूँ नाउ हारवर्ड ऑब्वियसली बिकॉज वो इट्स इट्स कॉल द बेस्ट एम बी ए स्कूल इन द वर्ल्ड आई वी लीग और काफ़ी और भी बेनिफिट्स हैं वहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है वर्ल्ड के वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेसर्स होते हैं बेस्ट केस स्टडीज़ होती हैं सो so, अगर एम बी ए करना है दैन दिस इज द बेस्ट कॉलेज प्लस आई थिंक कि इंडिया से चार साल तक अब आई टी में पढ़ा पढ़ा पढ़ाई करी है इंडिया में काम किया है उसके बाद एक ग्लोबल एक्सपोजर के लिए भी आई थिंक इट सेंस फॉर मी टू टू गो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड सो बेसिकली देखिए क्या होता है कि एम बी ए के लिए ये कहा जाता है कि लाइक एम बी ए अपनी जो डिग्री और जो अकेडमिक वैल्यू होती है ना लाइक दैट इज नॉट द फोर मोस्ट थिंग इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग बट इट इज नॉट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहाँ पे जिस तरह के लोग होते हैं जिस तरह के लोगों से आप मिलते हो जिस तरह से उन लोगों से इंटरेक्शन करते हो वहाँ पे जो प्रोफेसर से आपका इंटरेक्शन होता है एंड हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ हाउ डू यू मैनेज योर ओन पर्सनैलिटी देयर विद the other people who are there so Harvard, तो हार्वर्ड एक ऐसा institute है जहाँ पे 50-60% परसेंट तो मुझे विनम्र से ही बताया था मैं अपना ज्ञान मेरे पास नहीं इतना ज्ञान मैंने विनम्र से ही लिया है ये वाला ज्ञान 50 50-60% परसेंट तो यू एस के ही लोग होते हैं मगर जो उनकी कुछ काफी थर्टी फोर्टी परसेंट सीट्स आई बिलीव राइट जो बाहर से आते हैं जिसमें ट्वेंटी फाइव के करीब सीट्स इंडिया से भी होती हैं ठीक है तो बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ पर मिलते हैं और उन लोगों से जब मुलाकात होती है जब आइडियाज का आदान प्रदान होता है तो वो जो आदान प्रदान होता है उसमें जो ब्रेन डेवलप होता है उसमें जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है दैट इज आई बिलीव अनपैर राइट सो दिस इज वाई लाइक ही इज ऑप्टिंग फॉर हार्वर्ड सो अब मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहता हूँ जो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं हाउ डिड यू इट सो प्लीज थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि

मेरे केस में मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान मेरे सीनियर से ही मिला था तो जब मैंने एक करियर चूज़ किया मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में गया उसके बाद स्टार में काम किया वहाँ भी कॉपरेट स्ट्रेटेजी में काम किया तो मैंने डिसाइड किया एक एम बी ए में एक लॉजिकल सेंस बिकॉज अगर मुझे बिजनेस मैनेजमेंट वाली फील्ड में ही करियर बनाना है देन इट्स बेटर कि मैं उसमें फॉर्मली ट्रेन हूँ देन आई स्टार्टेड लुकिंग देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर विच आउ द बेस्ट कॉलेजेस विच आर द कंट्रीज उसके एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है एसेट्रा एट्सेट्रा तो आई 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 में मेरे भी कुछ सीनियर्स थे जो हार्वर्ड जा चुके हैं पहले मैंने उनसे बात करी उनसे पूछा कि क्या प्रोसेस होता है तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो हम कर सकते हैं ये तो काफ़ी डुएबल है अब अभी तक बस आपने मूवीज में सुना है लोगों से सुना है कि हार्वर्ड नाम का एक अच्छा स्कूल है बट आपके वो रीच में है अगर आप आई जैसे अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़ो आपके रीच में कहीं से भी पढ़ो आपके रीच में है सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग अप माई माइंड कि यार ये मैं कर सकता हूँ दैट वॉज वंस आई ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग दो तीन साल मेरे को काम करते हुए थे तब मैंने डिसाइड किया कि यार लेट मी ट्राई फॉर इट फिर उसके बाद

हाँ बट इज़ नॉट लीनियर उसका उसका जब जी मैट का जब डिटेल में देखेंगे तो पता पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन के फिक्सड मार्क्स हैं तो अगर आप इतने adaptive. सही कर दोगे तो इतने आ जाएंगे वो तो थोड़ा एडेप्टिव होता है उस पर एक लंबा डिस्कशन हम बात नहीं कर सकते हैं बट बट द पॉइंट इज़ कि एक आपको जी मैट देना होता है फिर उसके बाद उसके स्कोर के बेसिस पे फिर आप अप्लाई करते हो और उस एप्लीकेशन के भी तीन चार स्टेजेस होते हैं एक आपको एक एस लिखना होता है एस ओ पी स्टेटमेंट ऑफ परपज ऑफ सर्ट्स जिसमें आपको दो तीन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं क्वेश्चन लाइक ही वाई डू वॉन्ट टू डू एन एम बी ए वाई फ्राम आपको लाइफ में आगे क्या करना है दीज अद क्वेश्चन जिसके आपको काफी डिटेल्ड आंसर्स देने होते हैं हज़ार वर्ड्स के दो हज़ार वर्ड्स के सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ़ यर एप्लीकेशन दी अर पार्टीज आपको ऑब्वियसली अपना रेज्यूमे बना के सबमिट करना होता हो अदर पार्टीज़ कि आपको लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लेके आने होते हैं आपके आपके बॉसिस से आपके कॉलीग्स से आपके प्रोफेसर से जिसमें वो आपके बारे में बताते हैं कि वाई इज़ ही अ गुड कैंडिडेट फॉर द कॉलेज इसके बारे में क्या क्वालिटीज़ हैं एंड एंड हाउ डिड ही कॉन्ट्रीब्यूट टू आर ऑर्गेनाइजेशन सो दीज आर डिटेल्ड क्वालिटेटिव लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन जो आपको उनसे लेने होते हैं और फिर फाइनली एक इंटरव्यू स्टेज होता है जहाँ पे आप जो एडमिशन कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो इंडिया आते हैं या फिर हो सकता है आपको ऑनलाइन देना पड़े आपको वहाँ जाना पड़े उनसे एक फेस टू फेस इंटरव्यू होता है फिर इन सारी चीज़ों का वो लोग आउटकम देखते हैं फिर वैल्यूट करते हैं और फाइनल ऑफर देते हैं तो काफी लंबा प्रोसेस होता है। इट इज अ वेरी इलेबोरेट ऑफर मतलब इलेबरेट चीज़ है जैसा मुझे आ, मतलब जो टाइमलाइन है अगर हम लोग एग्जाम देने से स्टार्ट करें तो समवेयर अराउंड सेवन टू एट मंथ्स फाइव सिक्स मंथ्स पूरे लग जाते हैं एग्जाम देने के बाद से फाइनल ऑफर आने तक तो इट इज़ और मेरे हिसाब से देखिए ये जब प्रोसेस चलती है ना तो ऐसा नहीं है कि फाइव सिक्स मंथ्स देखिए आप पूरे ऑक्यूपाइड नहीं होते फिजिकली बट मेंटली आप ऑक्यूपाइड होते हो बोले पूरे बैक ऑफ द माइंड दिन भर वही चलता रहता होगा सो so ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने समझिए कि हायर एजुकेशन आफ्टर आई का एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है एम बी एड एम बी ए फ्रॉम आई वी लीग हार्वर्ड के अलावा कुछ और ऑप्शन है आप थोड़ा सा बता सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं एक्चुअली जो आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आप तो टॉप uh, जैसे यूएस के टॉप थ्री हार्वर्ड इन तीन स्टैंड को जनरली बोला जाता है इज पॉपुलर फॉर फाइनेंस बट इट्स फॉर पे फाइनेंस बैकग्राउंड के बहुत लोग जाते हैं बट uh, हर तरह के बैकग्राउंड के लोग भी जाते हैं काफी सीट्स होती हैं सो दीज आर द टॉप थ्री इन दू एस सो ये कुछ कॉलेजेस के नाम आपको पता चले अब देखिए नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से अप्लाई होता है अगर मोटा मोटा हम लोग बात करें तो आपको एक प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इन्वॉल्व है जी मैट का स्कोर इन्वॉल्व है उसके बाद एस एसओपीज़ एसओपीड है ठीक है और उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू होता है जैसा बताया ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उसके बाद जैसा आपने बताया था, हाँ, हर साल थोड़ा पच्चीस से पैंतीस पच्चीस से पैंतीस इंडिया से ठीक है तो विनम्र इज वन ऑफ दोज और जैसा बताया कि एक आईआईटी में एलुमनाई का एक प्रॉपर नेटवर्क होता है और हमारे मतलब बहुत सारे सीनियर्स भी जाते हैं मेरे बैचमेट्स भी काफी गए हुए हैं और ये एक पूरा मतलब ये मान लीजिए हर साल आईआईटी बॉम्बे के एक दो लोग तो जाते ही होंगे ऐसा मुझे लगता है, इस, साल जा रहे है। इस, इस बार चार लोग आई आई बॉम्बे के जा रहे हैं सो मतलब आई बॉम्बे रॉक्स सो लाइक ये होता है हम लोगों के बीच में चलिए एजुकेशन लोन ये पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज एजुकेशन इन यूएस इज नॉट चीप ऑब्वियसली इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव सो एजुकेशन लोन के बारे में थोड़ा सा बताइए एंड लाइक हाउ मच स्कॉलरशिप का अगर आप कुछ बता सकें अब सो ऑब्वियसली एजुकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव वहाँ पे तो फिफ्टी परसेंट तो मुझे मेरे केस में स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप आपको भी मतलब जो भी अप्लाई करता है उसको मिल सकती है इट्स इट्स बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड और वहाँ पर डिपेंडिंग ऑन आपकी सैलरी कितना रही है पिछले तीन चार साल में वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं कॉलेज सपोर्ट करता है बिकॉज इन कॉलेजेस का फंडा ये रहता है दैट दे डोंट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन द बेस्ट स्टूडेंट्स तो अगर उसके लिए करेट तो अगर उसके लिए उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट खुद देना पड़े दें दे आर विलिंग फॉर इट तो मेरे के इसमें फिफ्टी परसेंट तो आई है आई है द सपोर्ट फ्रॉम द कॉलेज द रेमे फिफ्टी परसेंट एम टेकिंग अ लोन लोन लेने के ऑप्शन होते हैं आप इंडिया से ले सकते हो बाहर से ले सकते हो इन केस ऑफ हारवर्ड हारवर्ड का एक खुद का एक क्रेडिट यूनियन है मैं वहीं से लोन ले रहा हूँ वहाँ से इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है इंडिया से आधे हैं सो सिक्स परसेंट इंडिया में ग्यारह बारह परसेंट से कम कोई एजुकेशन लोन नहीं देता सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू टेक इट फ्रॉम देर और आप अगर अच्छा आई वी स्कूल में जाओगे आपको भी कोई ना कोई ऐसा सोर्स मिल जाएगा यू एस बेस्ड सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है एजुकेशन लोन और ऑब्वियसली मेरा हमारा डिस्कशन हुआ था तो एजुकेशन लो लोन चुकाने के बाद ही विनम्र हमें वापस से इंडिया में मिलेंगे थोड़े दिन थोड़े टाइम वहाँ पे जॉब भी करके आएंगे ठीक है सो वॉट आफ्टर हार्वर्ड ये चीज हम लोग पूछ लेते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा विनम्र से कि हारवर्ड के बारे में के बाद आपने क्या सोचा है ऑब्वियसली मतलब जैसा मैं मतलब अपने आप को भी जानता हूँ आपको ज्यादा इतना दूर का कोई ज़्यादा सोचता है नहीं कि इसके आगे क्या करेंगे ऑब्वियसली एक स्लाइट आइडिया है वो स्लाइट आइडिया बता दीजिए मेरा स्लाइट आइडिया ये है रीजन वच आई वेंट इन डू हावट कि जब मैंने कंसल्टिंग करने के बाद दो साल मीडिया इंडस्ट्री में काम किया तो मुझे इस इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्ट आया आई स्टार्टेड लाइकिंग इट ऑल्सो पार्शली बिकॉज वो जो रोल ऐसा था मुझे काफी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आई काफ़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आई तो आ, मेरा एम ये है कि मैं हार्वर्ड से निकलने के बाद इसी इंडस्ट्री में एक बिजनेस लीडर बनना चाहता हूँ इवेंचुअली इंडिया आके एक बड़ा बिजनेस मीडिया की स्पेस में इंडिया में रन करना चाहता हूँ सो दैट इज माई एम दोस्तों इंडिया आना चाहता है वापस वापस अगर तुम लोग आई की तैयारी करके बाहर जाते हो तो वापस जरूर आना भारत <laughs> काम करना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है अपने देश में और अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत सारी इंडिया में अब जितनी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं बाहर तो काफ़ी प्लेटी हो चुका है इंडिया में ही अब नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ है आई थिंक

इन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स किए आई में भी काफ़ी अच्छा करते थे सो so, जेई की प्रिपरेशन तो ठीक है मैं उसके बारे में आपको काफ़ी लोग बताते होंगे मैं नहीं बोलूँगा बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आई में जाने के बाद भी ना आपको आप ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा अलग अलग फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आप ख़ुद को रिस्ट्रेंड मत कीजिए आप हर चीज़ एक्सप्लोर कीजिए और फिर जहाँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ को पकड़ के उसमें पैशनेटली जाइए जब जैसा आप बोले थे एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है अगर आपको एक आईबी लीग स्कूल में जाना है तो वो प्रोफाइल बनाने का कोई फार्मूला नहीं है बस फार्मूला ये है कि आप जो भी कर रहे हो पैशनेटली करो अगर आप किसी भी फील्ड में एक लीडरशिप के साथ इनिशिएटिव के साथ पैशन के साथ विद एम टू मेक अ डिफरेंस टू द वे थिंग्स आर डन अगर आप ऐसे काम करोगे देन पीपल विल यू एंड पीपल विल नोटिस यू सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी या लर्निंग मतलब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी के साथ काम करना चाहिए एंतुजियाली काम करो और आपका काम आपकी प्रोफाइल बिल्ड करेगा आपकी प्रोफाइल अगर बिल्ड होगी तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है देन यू विल बी एबल टू डू वेल इन एनी थिंग दैट यू परस्यू राइट सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो वंस अगेन फ्रॉम अन अकेडमी स्टूडियोज एंड दूवर्स आई थैंक विनम्र एंड बहुत जल्दी यूएस जाने वाले हैं और वहीं वहाँ से भी हम लोग इनसे गाइडेंस लेते रहेंगे सो so, I hope you liked the video this was a special episode of a sort from IIT Bombay to Harvard so